हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीटी ट्यूब क्लास में। तो दोस्तों, आज ये जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ये क्लास 8 की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि ये वही क्वेश्चन है जो आपके बुक में है और आपको नहीं आता, तो आओ फिर करते हैं इसे। ठीक है, साथ ही पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और लिखते भी रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। अब देखो इसमें क्या लिखा है ना कि फर्स्ट मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म। जैसे कि ये 2x - 5y, ये सभी क्या है, एक मोनोमियल हैं। तो फर्स्ट मोनोमियल आपको इस लाइन में लिख करके दिया है और सेकंड मोनोमियल आपको ऐसे लिख करके दिया है। इसको आपको ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और इसी प्रकार से लिखते रहना है। क्लियर, बन रही है मेरे साथ, मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो करना क्या है, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस ब्लॉक में लिखना है। तो जैसे इन्होंने एक करके बता दिया है कि अगर आप 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा, x × x करोगे तो x² आएगा। कैसे, मैं करके दिखाता हूं। मान लो कि आप ये लिखते हो फर्स्ट मोनोमियल और फिर आप लिखते हो सेकंड मोनोमियल और मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, 2 × 4, x × x, x² तो वो चीज आपको यहां पर लिखना है। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करना है, मतलब 2x − 5y। तो ध्यान से देखना, −(+−), 5 × 2 = 10, और x × y, xy। तो यहां पर कितना लिखना है, यहां पे लिखना है देखो माइनस साइन, 2 × 5 = 10, xy। ठीक है, तो अब मैं बार बार यहां नीचे नहीं करूंगा, यहीं पे करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब जैसे यहां पर कोफिशियंट 2 × 3, 2 × 3 = 6, x × x² तो पावर एड होंगे, x³ हो जाएगा, +(−−), 2 × 4 = 8, x × x² और y हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 × 7 = 14 हो जाएगा, x × x², x³ यानी कि x³ हो जाएगा, और y है नहीं तो y हो जाएगा। अब यहां पर जब आएंगे तो साइन −(+−), 2 × 9 = 18, कितना, 2 × 9 = 18, x² × x, x³ और y². तो ये हमारा हो गया पहला ब्लॉक। ठीक है, इसको हमने फिल कर लिया। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो। इसकी बात करते हैं अब, इस टेबल और इस टेबल की। ठीक है, इसकी और इसकी, यानी कि −5 और +2, तो साइन आएगा माइनस का, क्योंकि −(+−), 5 × 2 = 10, x × y, xy। अब यहां पर आएंगे तो ध्यान से देखना, −(−) प्लस हो जाएगा और प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 5 × 5 25 हो जाएगा, और y × y, y² हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो −(+), साइन आएगा माइनस का, 5 × 3, 5 × 3 = 15, x² × y, कितना, x² × y। अब हम इसमें आते हैं तो −(−+), 5 × 4 = 20, प्लस लिखते हैं नहीं तो 5 × 4 = 20, x y × y, y². ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं −(+), −5 × 7 = 35, x² और y × y, y². अगला देखते हैं, −(−), हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं हैं, और 5 × 9 = 45, कितना, 5 × 9 = 45, x² y² × y, y³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, सो रहे हो, जाग रहे हो, अगर जाग रहे हो तो कमेंट वमेंट करके बता दो कि सर सो नहीं रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा आगे देखते हैं। अभी इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ये पूरा ब्लॉक इसके साथ और फिर इसके साथ करना है, तो +(+) ही रहेगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, x² × x³ हो जाएगा। ये ब्लॉक आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी फिल करके मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, +(−−), x² वहाँ पर और y यहाँ पर। अब इसकी बात करते हैं तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, x² × x² कितना हो जाएगा, x^4, 3 + 3 × −4, तो +−−, 3 × 4 = 12, x × x² x³ और y हो जाएगा।
ठीक है। फिर यहां पर आएंगे 37 जा 21, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 4, ठीक है, वाई हो जाएगा 37 जा 21 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 4 इंटू वाई। अब इसके नंबर है इस बार, ठीक है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 39 जा 27 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 4 आर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 4 टू जा 8, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 जा 20 कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 एक्स एक्स ही रहेगा, y इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हटा दो, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 3 जा 12 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा और y बच जाएगा तो y लिख देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 12 एक्स क्यूब वाई। थोड़ा सा और आगे देखते हैं, तो माइनस यहाँ पर है और प्लस यहाँ पर है, तो माइनस इंटू प्लस ये छोड़ दिया हमने, ठीक है, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस लिखते हैं नहीं, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16, वो लिख लीजिए आप यहाँ पर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, यहाँ पर y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अगला है हमारे पास माइनस इंटू प्लस, तो साइन आएगा माइनस का, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर, y इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। इसमें देखते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, वो लिखेंगे नहीं, 4 9 जा कितना हो जाएगा, 36 x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई क्यूब, ठीक है। तो अगला ब्लॉक देख लेते हैं, आखिरी बचा है हमारे पास। यार मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दो, कमेंट वमेंट किसी का आ नहीं रहा, मतलब सब सो रहे हैं, पढ़ना चालू कर दो। देखो अब इसको ना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो 7 टू ज़ा 14 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। इसमें आ जाएगा, देखो माइनस है और प्लस है, तो साइन माइनस का आएगा, 7 3 जा नहीं 7 5 जा 35 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि एक्स वहाँ पर है नहीं, वाई स्क्वायर और वाई वाई क्यूब हो जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, 7 3 जा 21 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 4 और वाई रेस टू द पावर 2 यानी कि वाई स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 4 7 जा 28 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा और वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49 प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत है नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई रेस टू द पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें आ जाएंगे प्लस 7 और माइनस 9, तो प्लस माइनस माइनस 7 9 जा 63 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 4 दिखाई दे रहा है आपको, नहीं फिर से कर लेते हैं, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, 7 9 जा कितना हो जाएगा, 63 यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है एक्स रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई रेस टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। जिसको दिक्कत आती है वो ऐसे कर सकता है, जैसे मैं लास्ट वाला करके बता देता हूँ, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है, माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो भैया, 7 प्लस में है 9 माइनस में है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 7 9 जा 63 और फिर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4 क्योंकि पावर एड होते हैं, और वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई रेज टू द पावर 4, और वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हम अब अपने आखिरी ब्लॉक को मल्टीप्लाई करेंगे, और आखिरी ब्लॉक क्या है, माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
और उसको जो ये वाला हिस्सा है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये माइनस है और ये कितना है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। 9 2 जा कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। मुझे लगता है मार्कर थोड़ा बदलना पड़ेगा, है ना, चलो बदल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा माइनस 18, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, और वाई इंटू वाई स्क्वायर, नहीं वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि वाई है नहीं। आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तब देखो क्या आएगा, देखो यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो बताओ माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 9 5 जा 45, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू इंटू एक्स है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ब्लॉक में, तो दूसरा ब्लॉक हमारे पास है +3 और -9, तो प्लस इंटू माइनस सबसे पहले माइनस आएगा, 9 3 जा 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 3 जा 27 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई है नहीं तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे -9 और फिर यहाँ पर -4 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। 9 4 जा कितना होगा, 9 4 जा होगा 36, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा आपके पास एक्स क्यूब, ठीक है। इसके बाद वाई स्क्वायर और वाई आपके पास हो जाएगा वाई क्यूब, ठीक है। फिर थोड़ा आगे देखेंगे तो यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा माइनस, 9 7 जा कितना होगा 63। एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4 यानी कि एक्स के घाते 4, वाई स्क्वायर और इंटू वाई कितना हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वापस से आखिरी में आएंगे हम, तो 9 यहाँ पर देखिए माइनस साइन और माइनस साइन, तो पहले तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा इस क्वेश्चन का जो टेबल है वो कंप्लीट हुआ है। अगर फिर भी आपको यहाँ पर किसी भी टॉपिक में डाउट लगा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।